अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने लगे हैं, जो याद होगा मैंने आपको एक पहले वीडियो के अंदर बताया था कि मैं बजीज का एक नया सेटअप बना रहा हूँ, एक कॉलोनी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मोस्टली ग्रीन और ब्लू कलर के बजीज डालूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को वो केज दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत काम भी था। ज़ाहिर है मैं बजीज के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत भी चिड़िया नहीं होनी चाहिए, बजीज छोटे होते हैं वो निकल जाएंगे इधर उधर से, तो उनको भी मैंने अभी थोड़ा बहुत बंद किया। अभी थोड़ा बहुत और भी काम है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक मैंने क्या काम किया और क्या क्या रहता है करना, तो ये सब इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं उसके अंदर कौन कौन से बजी पैरेट्स जो हैं जो मेरे पास अभी मास्टर केज के अंदर केजेस के अंदर वाले उनमें से कौन कौन से पेयर जो है मैं उधर छोड़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, मैंने कुछ बजीज पैरेट जो है ना कम भी कर दिए, उसे एक मेरा कज़न मांग रहा था और वो मुझे कह रहा था दे दो कुछ दे दो, तो मैंने उसको कुछ पेयर दे दिए अपने बजी पैरेट्स के, और इंशाल्लाह उसके बाद बच्चे वगैरह निकलेंगे तो वो कह रहा था मैं तुम्हें ही दे दूंगा तुम रख लेना। तो खैर अभी मैं आपको वो केज वगैरह दिखाता हूँ जो मैंने इनके लिए तैयार करना है, और थोड़ा बहुत उसका काम हो गया और जो मैंने बजीज वहाँ छोड़ने हैं वो दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, तो देखें ये वाला केज है, सही है, जिसको हमने बनाना है, ये वाइट छत वाला। तो इसमें एक तो ना वहाँ पीछे थोड़ी सी झिरी थी, वो मैंने वहाँ ऊपर से जो है यहाँ पे छज्जे के ऊपर जाके ना उधर कॉर्नर पे जाके वहाँ से थोड़ी सी उधर जो है कोने में सीमेंट लगा दी, वो तो मैं भी आपको नहीं दिखा सकता। अच्छा, अंदर से भी लगाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो है ना देखें नालियों वाली थी इस तरह ना, यहाँ यहाँ जो गैप्स थे वो कम बन रहे थे, वहाँ आगे ज़्यादा बन रहे थे, तो मैंने इस तरह ये एक जाली जो फोल्ड करके रखी और उसको ऊपर से पेचों से टाइट कर दिया कि वो उन्होंने ना जो नालियों के आगे जो होल्स बन रहे थे ना ये वाले, ये देखें ये ज़िगज़ैग होल्स हैं, तो उनको सबको कवर कर लिया। वहाँ पे थोड़े ज़्यादा था क्योंकि ये असल में जो ये दीवार अब वो अब आप सामने वाली दीवार देख रहे हैं ना वो देखें बिल्कुल सीधी है, तो वहाँ से तो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं था, ऊपर नीचे नहीं था। अब ये देखें यहाँ पे ये वाली जो दीवार ना ये इस तरह टेढ़ी है, इसीलिए मुझे जो है ना वहाँ पे भी सीमेंट लगानी पड़ी है, क्योंकि यहाँ से दीवार सीधी है वहाँ से फिर यूँ है, तो यूँ करके एक बीच में ट्राइंगल बन रहा था तो उसको मैंने सीमेंट से फिल किया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी झिरी आ रही थी, ये अब आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो वही देखिए थोड़ी सी सीमेंट यहाँ लगाई है। अभी यहाँ पे जो है मैं सोचा था एक पेंच लगा दूँ और थोड़ी सी और सीमेंट यहाँ पे लगेगी, तो ये वाली इंशाल्लाह मैं भर दूँगा। और बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ केज के अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या। तो ये देखें ये सारा व्यू है केज के अंदर वाली साइड से, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप सामने देखें मैंने सारा जो है सीमेंट से जो है बंद कर दिया, और हमारी ये वाली जो साइड है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इनमें यहाँ पे मैंने जो है जाली वगैरह लगाई है, आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी जिसकी वजह से ये बंद हो गए ना जाली, देखे बाहर दिख रही होगी आपको जाली, तो इसकी वजह से जो है ये देखें बाहर से आपको जाली अब दिखने लगी होगी जाली, इसकी वजह से देखें यहाँ जो झिड़ियाँ थी वो बंद हो गई। और बस अब जो मेरा काम रहता है ना करना वो ये है, थोड़ा सा वहाँ से सीमेंट में जाली वहाँ से ख़राब है उस कॉर्नर से ना, आपको यूँ करके देखें यूँ दिख रहा होगा, तो इसको एक तो मैंने बंद करना है, इस पर जाली का पीस लगाऊंगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास इधर जो सामने जो यहाँ पे जो थोड़ा सा सीमेंट लगा हुआ है इधर थोड़ा सा सीमेंट और लगाना है, और फिर इसके बाद इसमें दीवार में सुराख करने और इनकी मटकियाँ लटकाने के लिए हमने कुछ जुगाड़ बनाना होगा। तो ये सारा काम है भाई जो अभी हमने करना है रहता है, और बाकी इसके अलावा जो है मैं आपको वो बजी तोते दिखाता हूँ जो इसके अंदर मैं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह इसके अंदर हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा, खुले रहेंगे, इनको फ्लाई वगैरह मिलेगी, फिर डंडियाँ वगैरह लगानी है, पूरी सेटिंग बनानी है, इंशाल्लाह आपके साथ सारी अपडेट शेयर करूँगा। मैं आपको तोते दिखाता हूँ जो इसके अंदर छोड़ूंगा मैं। अच्छा, तो यहाँ पे मास्टर केज के अंदर आ गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पेयर छोड़ेंगे। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि उसके अंदर मैं खाली ब्लू तोते और ग्रीन छोड़ूंगा, क्योंकि उस ब्लू और ग्रीन की जो कॉलोनी होती है ना उसके अंदर हमारे पास चांस होता है हमारे पास हाफ साइड है बजरी प्रोड्यूस हो जाए, और हाफ साइड है बजरी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैं आपको उसकी अभी वीडियो में पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ, आप देखें बहुत खूबसूरत होता है, तो इसलिए मैंने खाली ब्लू और ग्रीन की कॉलोनी बनाना सोचा है। मैं ये सोचा अब नए तोते नहीं लेके आऊँगा, बस जो पड़े हुए हैं उनको ही छोड़ूंगा, नए आपको पता बीमारी आ जाए मसला होता है। अच्छा, ये जो दो पेयर हमारे पास पड़े हुए हैं इनको अभी नहीं छोड़ रहे हम लोग, उसके अंदर ब्लू ब्लू और ये भी ब्लू ब्लू वाले पेयर हैं, इनको अभी नहीं छोड़ रहे। सही है, ये वाला जो हमारा पेयर है इसको हम लोग छोड़ेंगे कॉलोनी के अंदर, ये वाला मेल है ब्लू का, और इसकी फीमेल तो आपको पता है फुल ग्रीन से कलर की है, येलो फेस में, वो देखें उसने थोड़ा सा अपना मुंह बाहर निकाला था। अच्छा, ये शायद ना भी अंडे देने वाली है, अगर इसने अंडे दे दिए केज हमारे तैयार होने से पहले, तो एक कलर इससे यहीं ले लेंगे फिर बाकी उधर छोड़ देंगे। बाकी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि हमने कौन से वाले जो हैं तोते जो हैं वहाँ छोड़ने हैं। यहाँ पे हैं हमारे पास कुछ तोते, ये देखें
इनमें भी मैंने अभी ऐसी मटकी लगाई थी मगर अभी मटकी में जा नहीं रही। ये वाला तो अच्छा सामने हुआ पट्टा है और ये तो बिल्कुल बच्चा ही है अभी, अभी तैयार नहीं हुआ है ये, बट इसको हम छोड़ देंगे। खैर बच्चा मैंने इसलिए इनके साथ छोड़ा हुआ है, फीमेल है बच्चा ना। और बाकी जो है ये ब्लू वाला एक मेल है, ये खाली है, तो ये इस बच्चे के साथ पेड़ लगा लेगा, बड़ा होगा। और बाकी आप देखें तो दो जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं पूरे ना, ये देखें बाकी ये दो ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन ग्रीन का पेयर है और ब्लू और ग्रीन का पेयर बन जाएगा बच्चा बड़ा होगा तो। इनकी मैं कॉलोनी बनाऊँगा, छः तोते जो है वहाँ पर छोड़ूँगा, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता है या सिंगल सिंगल केजेस में आता है, इस पर भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।